रतिका ये देखो ये मेरे हाथ में क्या है मोबाइल हाँ तो ये जो मोबाइल फोन है ना इसने बहुत सारा काम आसान बना दिया है हाँ, ये तो है अगर मुझे कहीं जाना है कैब बुक करनी है तो कितने आराम से बुक कर सकते अगर हमें भूख लगती है तो हम कितनी जल्दी खाना ऑर्डर कर लेते हैं बहुत जल्दी और घंटों में अपने दोस्तों से बातें कर लेती हूँ तुमसे भी तो कितनी बातें करती हूँ ना मैम सिर्फ प्रोग्राम से एक दिन पहले सिमरन इतना सारा सच बिल्कुल एनीवेज तुमने वैसे बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रही है ना इससे जो आजकल हम कंप्यूटर और इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे और मुझे नहीं से की आज हमारा कोई भी ऐसा काम है जो इंटरनेट के बिना चलता है तो ऐसे में इंटरनेट पर हमारी सिक्योरिटी होना भी तो बहुत जरूरी है ना हाँ hmm. सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है ऑफलाइन वर्ल्ड हो ऑनलाइन वर्ल्ड हो सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली exactly. आए दिन हम सभी सुनते हैं कि इंटरनेट पर हैकिंग हो रही है वायरल अटैक्स किए जा रहे हैं साइबर फ्रॉड हो रहे हैं तो ऐसे में क्या किया जाए जिस जैसे कि हम इन साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा सकें तो दर्शकों आप भी समझ गए होंगे कि साइबर सिक्योरिटी कितना महत्वपूर्ण विषय है तो इसके बारे में जानकारी तो बनती है तो चलिए साइबर सिक्योरिटी इश्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स पर हम और जानते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या तवर साइबर एक्सपर्ट एट सुमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी फ्रॉम मुंबई नमस्कार बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका डी मॉर्निंग शो में नमस्कार डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या तवर अभी कुछ दिन पहले आपकी ये किताब साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट एंड ईशूज़ ये इसका विमोचन किया गया तो हमें ये बताइए कि आज के समय में ये जो किताब है और जो इसके आइडियाज़ हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं रितिका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने क्योंकि मुझे लगता है कि किताबों की महत्वता हमारी ज़िंदगी से ओझल होती जा रही है तो इस समय में हमें किताबों के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इंफॉर्मेशन जितनी आसानी से कितनी अच्छी तरीके से आप उन लोगों के लिए पहुंचा सकते हो जैसे बच्चे हैं यूजर्स हैं जैसे स्टूडेंट हैं न्यू जनरेशन है तो ये जिस तरीके के कंसेप्ट है ना क्योंकि Uh, हमेशा ये हुआ जैसे अब मैं कोरोना के बारे में बात करूंगी कि हमारी जिंदगी में अचानक आया right. अचानक ऑटोमेशन 4.0 पॉइंट जीरो आया hmm. तो हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर ब्रैकेट क्या है और कितनी लिमिट है hmm. हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते आ रहे हैं पर हमें पता नहीं कि कितना टाइम हमें स्क्रीन को देना चाहिए कितना टाइम हमको अपने ऊपर देना चाहिए और कितनी एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए आउटसाइड स्क्रीन टाइम के अलावा hmm. तो ये जो था ये कंसेप्ट इसी बारे में था कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है जैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू यूज़ करी जाए वाईफाई के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आपके लिए यूज़फुल हो सकती है जैसे अभी आप, आप लोगों ने कहा और कैसे हार्मफुल हो सकती है तो आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन के अंदर एक ब्रैकेट लगाइए कि मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम कंप्यूटर को देना है या लैपटॉप को देना है या मोबाइल फ़ोन को देना है और इतना टाइम मुझे इससे दूर रहना है और उसके अंदर दूरियों में इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं तो ये बुक इसी के बारे में ये बात तो वैसे आपने बिल्कुल ठीक कही है लेकिन फिर भी हम आजकल के टाइम में मतलब हम सभी साइबर वर्ड से जुड़ना इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते क्यों इसी में इतना ज़्यादा बिजी रहना चाहते हैं देखिए ये ना एक स्लो ड्रग की तरह एक एडिक्शन है कि एक बार अगर आप कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे अपने मोबाइल पे कुछ देखना शुरू करें तो देखने के बाद एड आती है कोई ना कोई स्क्रॉल आ जाता है और आप फिर उसको देखने लगते हैं फिर उसके बाद आप रील्स देखने लगते हैं और रील्स के बाद फिर फेसबुक पे कुछ ना कुछ कंसेप्ट कुछ ना कुछ देखना टाइम निकल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता की आपने एक घंटे पहले शुरू किया था अब चार घंटे हो चुके हैं आपके पास ब्रैकेट तो है ही नहीं और कौन सी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को और कहीं ना कहीं अपने सोचने के तरीके को जरूर ये इफेक्ट करता है है राइट right. और मुझे लगता है रतिका इसके ना हम सभी एग्जांपल्स हैं हम सब फोन यूज करते हैं और जब रील्स देखने लगते हैं तो आपको पता नहीं लगता कब शाम है कब रात है। अभी तुमने खुद ही बताया कि मैं फोन पे ऑर्डर करती हूँ फोन पे घंटों घंटों बातें करती हूँ तो ऐसे में जो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी अब ये सुनने में ना थोड़ा सा भारी भरकम सा शब्द है साइबर सिक्योरिटी तुम्हें पता है मतलब इसका नहीं हाँ तो जान लेते हैं ना <laughs> साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और कौन कौन से कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो आजकल हम लोग फेस करते हैं देखो साइबर सिक्योरिटी बहुत ही जैसे कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट बना दिया गया है पर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको और वो भी लोग जो इसकी जैसे कहते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में ही है जहाँ पर हमारे लिए कंसेप्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ओ आ रहा है अगर आप किसी को ओ वन टाइम पासवर्ड किसी को दे रहे हैं तो आप ऐसे अनलोन लोगों को ना दीजिए ये पहला कंसेप्ट है दूसरी है कि कौन सी इन्फॉमेसन आप कंज्यूम कर रहे हैं इन्फॉमेशन के अंदर आपको ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है स्पेशली महिलाओं को और स्पेशली बच्चों को और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर एक इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा ना दीजिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए है वो सारी दुनिया के लिए नहीं है जी कि वो इन्फॉर्मेशन आप सबको बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो लोग नेगेटिवली यूज करना चाहते हैं वो आपके लिए यूज जरूर करेंगे जी अभी आपने पासवर्ड्स की बात की तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का होना या फिर अगर हम कहें कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन साइबर वर्ल्ड में कितनी जरूरी है देखिए बहुत जरूरी कंसेप्ट है आप घर पे ताला लगाते हैं चाबी रखते हैं हमने तो वो ताला चाबी का कंसेप्ट ही है। कि आप कितना ताला लगा सकते हैं और उसके अंदर कितनी सिक्योरिटी रख सकते हैं तो उसमें मल्टी फैक्टर ये होता है कि आपका मोबाइल समाह किसी के पास चला गया और नहीं। नहीं। उसने आपके अकाउंट को एक्सेस करा क्योंकि हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे है तो मोबाइल के अंदर अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर ये भी होगा कि आपका बैंक का खाता होगा आपके बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी हो सकती हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि आप पासवर्ड किस तरीके से यूज करें पासवर्ड में हमेशा अपना नाम ना रखिए साथ में कुछ ना कुछ स्पेशल करेक्टर रखिए और उन चीजों का यूज करिए कि टू फैक्टर जो होता है कि आपका मोबाइल फोन आप भी एक्सेस कर सकते हैं साथ में जो आपका ई मेल है अगर कोई और यूज कर रहा है तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आनी चाहिए हाँ, वो कंसेप्ट हमेशा आपने अप्लाई करना चाहिए कि छोटे छोटे पासवर्ड नहीं रखने चाहिए पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए जो आपको समझ आए और रतिका ये जो तुमने अपने फोन पे डेट ऑफ बर्थ वाला पासवर्ड रखा हुआ है ना हटा दो अब इसको और तुम भी अपने से जुड़े जो बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता देखिये आपके माध्यम से ना मैं बताना चाहती हूँ की फिशिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जिसको इतना बनाया गया है की ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको समझना जरूरी है फिशिंग वैसे ही है जैसे मछुआरे फिश पकड़ते हैं तो वो चार डालते हैं ऐसे आप लोगों के लिए चारा डाला जाता है कि आपका आपकी वीक पॉइंट क्या है जो आपने सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि मेरे को ये चीजें अच्छी लगती हैं क्योंकि आपका जो डेटा है वो डेटा माइनिंग होता है डेटा माइनिंग में क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से आपके अगेंस्ट यूज करा जाता है तो उन इंफॉर्मेशन के लिए क्या है कि आप ना हमेशा उन चीजों पे फैक्टर पे एक ब्रैकेट रखिए कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसके अंदर अगर फिशिंग आती है कि आपकी वीक पॉइंट क्या हो है है। आपका वीक पॉइंट हो सकता है डिस्काउंट कूपन आपका वीक पॉइंट हो सकता है बाहर जाना घूमना और डिस्काउंट ये सबका होता है तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे देते हैं ऐसे ही वो ऐसे ही नहीं देनी तो hmm. जो चारा है वो चारा आप लोग बनते आपकी इन्फॉर्मेशन बनती है oh. अच्छा तो मतलब ऐसे हम लोग भी ये फिशेस की तरह ही एक्ट जी, बिल्कुल हम, बिल्कुल, हम सब जी, जी, बिल्कुल और इसके अंदर जो आप इन्फॉर्मेशन देते हैं वो डेटा की तरह यूज होता है और आपके लिए अगेंस्ट यूज होने के लिए डेटा माइनिंग का कंसेप्ट हमेशा यूज करा जाता है जब ओक, आपको फसाना होता है ओके तो ये जो हम एंटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी साइबर सिक्योरिटी में हमें हेल्प करता है ये एंटीवायरस बहुत तरीके से हाँ, हो बहुत मल्टीपल होते हैं कोई फ्री में होते हैं कोई पेड होते हैं तो कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा ऑथेंटिक है देखिए एंटीवायरस आप कोई भी यूज़ करिए एंटीवायरस हमेशा ऑथेंटिकेटेड जगह से लीजिए और okay. साथ में ये देखिए कि वो किस तरीके से यूज हो रहे हैं कभी कभार ऐसा ना हो कि उसकी जगह एक वायरस आपके पास आ जाए जैसे रैमसन वेयर उसका एक वायरस है कि वो अगर आपके सिस्टम में आ गया जब तक आप उसको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे वो जाएगा नहीं इसका नाम भी है रैमसन तो रैमसन का मतलब रैमसन यानी कि फिरौती लेना और उसके बाद जाना तो ये नाम ही बता रहा है कि किस तरीके के ये एंटीवायरस की तरीके से यूज़ कर सकते हैं पर एंटीवायरस एक ऐसी चीज़ है जो ऑथेंटिकेटेड जगह से लेना चाहिए कि आपको ऐसी जगह से नहीं लेना चाहिए जो फ़्री मिल रहा हो

ऐसे होंगे जो बहुत टैक्स नहीं भी होंगे तो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं स्ट्रॉन्ग uh, पासवर्ड्स क्या लगाए जा सकते हैं तो आप हमारी थोड़ी सी इसमें हेल्प कीजिए देखिए सबसे पहली कि इन्फॉर्मेशन उतनी ही दीजिए सोशल मीडिया पे क्योंकि आपके पास तमाम तरीके के सोशल मीडिया हैं आपके पास फेसबुक है इंस्टाग्राम है और दुनिया तरह के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है नाम ले लेना चाहिए प्लेटफॉर्म्स का पर ये जरूरी है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन आपकी निजी इन्फॉर्मेशन आप उसमें ना दीजिए जिसके अंदर पहली चीज ये है कि आपके फोटोग्राफ्स आपके बच्चों के फोटोग्राफ्स आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन और आपका डेली रूटीन अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो फोटोग्राफ दो दिन बाद पोस्ट कर दीजिए हाँ। आप ना बताइए कि आप कहाँ पे जा रहे हैं तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको अपनी तरफ से रखनी चाहिए अपने पास ही रखनी चाहिए दूसरों के वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए नहीं है दूसरा कंसेप्ट है कि आपके जितने भी पासवर्ड है वो आपके पास होने चाहिए और जैसे आप लोगों ने अभी कहा कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम, नाम जरूर नहीं, नहीं होना चाहिए।, चाहिए।, चाहिए उसमें कुछ ना कुछ ना टू वे ऑथेंटिकेशन जरूर होने चाहिए। कि समझ आना चाहिए कि ये जिसका पासवर्ड है वो इस इंसान से अलग है तो पासवर्ड हमेशा हम, हम जब हैक करते हैं जिसमें हैकिंग का एक कंसेप्ट है तो हैकिंग के अंदर यही करा जाता है कि इंसान को वो कि इंसान का नाम नाम उसका पासवर्ड उसके का पासवर्ड तो ये जो हम लोग रख लेते हैं ना कि याद रहे तो वो उन लोगों को भी याद रहता है जो इसको नेगेटिवली यूज तो जो ये बात कर है ना कि याद रखना अब अक्सर ऐसा होता है कि पासवर्ड हम इसी तरह से क्रिएट करते हैं या फिर कहीं पर लिख लेते हैं कि मुझे मेरा पासवर्ड याद रहे देखिए आपको इसको ना लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ क्योंकि लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है ना कि इतने सारे पासवर्ड हर एक जगह हमने लगाए हुए हैं पर पासवर्ड को याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको लिख लीजिए एक जगह पे जो आपके फोन पे ना हो वो कई हार्ड कॉपी में हो हार्ड कॉपी की जरूरत बहुत आ रही है वैसे सिमरन मैं ना इस बात में तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगी कि अभी तुम घूमने गई तुम्हारी एक भी पिक्चर तुमने पोस्ट नहीं की हाँ बिल्कुल तो इस चीज के लिए मतलब ये अपने आप को सेफ रख के चलती है तो हमें ये पता लगता है ना कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में जब हम दर्शकों को बताते हैं तो हम भी उतने साइबर अवेयर धीरे-धीरे हो रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ हुँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर दिव्या हम जो है बहुत ज्यादा अपना टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो सब हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं इस टेक्नोलॉजी का अपनी फोटोज़ फिर भी हम लोग शेयर करते हैं चाहे दो दिन बाद तीन दिन बाद एक्टिव रहना हमें बहुत पसंद है सोशल मीडिया पे तो कैसे अपने आप को एक्टिव रहते हुए इस वर्ल्ड से जुड़े हुए हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं देखिए ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हमेशा बहुत अच्छी चीज हमारी जिंदगी में लेके आती है जैसे हमारी जिंदगी को उसने ईज बना दिया पर आप देखिए कि आपके जो फोटोग्राफ्स हैं वो सिर्फ आपके लिए हैं ठीक है और बहुत सारी चीजें जो हमको पता नहीं नाइनटी सेवन परसेंट जैसे एक आइसबर्ग होता है ना हमको सिर्फ तीन परसेंट पता है जो जो जिसे कहते हैं ना डार्क नेट वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपके फोटोग्राफ किस तरीके से यूज़ करे जाते हैं आपको समझ में भी नहीं आएगा तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना इन्फॉर्मेशन आप कितनी करें और किस तरीके के फोटोग्राफ बच्चों को भी बताना चाहिए अपने के लोगों को भी बताना कि उतनी दीजिए जितनी अच्छी हो आपके लिए सुविधाजनक हो क्यू कल के लिए कोई स्कार ना पड़े आपके खतरा ना बने स्कार नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए ना कि जैसे बच्चे अभी छोटे क्योंकि हमने मोबाइल उनके हाथ में दे दिया है पर अब उनके साथ मोबाइल ना उनके हाथ से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमें भी आदत पड़ चुकी है बट साथ में हमें बताना चाहिए कि फिल्टर कहां पे यूज़ करना है कितनी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ पे किसको प्रोवाइड कर रहे हैं हाँ, क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन ही है डेटा हम डेटा <laughs> वही जैसे हम बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं ऐसे मोबाइल से भी थोड़ा सा हाँ, और सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो कही ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर और अक्सर हम अपने दर्शकों से ये कहते भी हैं कि हम आपको साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं यदि फिर भी किसी तरह का साइबर क्राइम आपके साथ हो जाता है तो गृह मंत्रालय का जो हेल्पलाइन नंबर है आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 1930 इस पर तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करवाएं या फिर किसी भी साइबर क्राइम के लिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट भी आपके लिए है यहाँ पर www.cybercrime.gov.in इस पर भी संपर्क कर आप अपनी शिकायत हमारे साथ दर्ज करवा सकते हैं और मान लीजिए मैम अगर किसी ने 1930 पर संपर्क किया है तो कौन सी अब ऐसी डिटेल्स हैं जो हमें उन्हें प्रोवाइड करनी बहुत मैंडेटरी हैं जरूरी हैं मतलब देखिए साइबर जब भी साइबर क्राइम होता है प्रॉब्लम क्या होती है स्टार्टिंग से ही कि हम जब किसी से बात करते हैं हम किसी से चैटिंग करते हैं तो हम वो इंफॉर्मेशन डिलीट कर देते हैं तो आपको नहीं पता कि ना वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन गई क्योंकि आप चैटिंग कर रहे हैं आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आप इसको डिलीट करते जा रहे हैं तो डिलीट तो इनिशियल लेवल पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं क्योंकि हमें तो पता होना चाहिए ना कि किस डेट पे ये सारी कार्रवाई स्टार्ट हुई और वहां पे ये सारी की सारी चीजें देना जरूरी है आप लिये क्योंकि आपको भी नहीं पता क्योंकि आपने डिलीट कर दिया तो मेरा ये आग्रह है आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से कि जब भी आप को लगे कि ये इंसान या ये साइट हमें लग नोट डाउन करिए अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर प्रॉब्लम है।, है तो उन लोगों से बात करिए जो इससे रिलेटेड है क्योंकि हमेशा क्राइम उस पे होते जैसे सरकारी गवर्नमेंट जॉब होती है हुँ, हुँ, तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं स्पेलिंग uh, मिस्टेक हमेशा बिल्कुल, बिल्कुल। को मिलती है तभी कहते हैं हमेशा की सावधान रहिए और सतर्क रहिए जी हाँ दर्शकों और हम हमेशा आपसे यही कहते हैं कि ऑफलाइन वर्ल्ड के साथ साथ ना ऑनलाइन वर्ल्ड में भी सेफ और सिक्योर रहना अवेयर रहना बहुत जरूरी है तो आज साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट और इश्यूज पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रही थी प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या थंवर जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके समय के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए थैंक यू सो मच मैम थैंक यू